गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सलाम वालेकुम। आज आपको आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करेंगे और बनाते वक्त दिखाएंगे। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी बढ़ाते रहें हमारे को। इंशाल्लाह ताला अच्छी अच्छी वीडियो आते रहेंगी और हमारी कोशिश है कि आपको घर में ही सब फूड आइटम बना के दिखाऊं, अच्छे अच्छे भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में, जैसे जैसे वीडियोस आते रहेंगी। हम मिलते हैं आपको अपने किचन में। ये देखें, दो टमाटर लिए, दो प्याज हैं और पांच हरी मिर्चें और आधा अदरक का टुकड़ा है और चार पांच डल्ली लहसुन है और एक प्याला चिकन है और आलू चार पांच आलू हैं और ये धनिया है। ये गार्निशिंग करेंगे तो गार्निशिंग करते हैं इसके ऊपर जब बन जाता है। अब ये सारी सब्जी ग्राइंड करेंगे जग में। ये सारे लहसुन, टमाटर, प्याज, अदरक, ये सब ग्राइंड हो जाएगी और आपको अब शैनी कंटिन्यू करेंगे आगे से, आप देखिएगा। मैंने जो आपको बताया था टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक, वो मैंने ग्राइंड कर लिया है और उसको अच्छे से बारीक पीस लिया है। और अब इसमें मैं जो मसाले ऐड करूँगी फिर आपको दिखाऊंगी। देखें आप लोग, सब मसाले ऐड कर रहे हैं हम इसमें। जो ये मैंने लाल पीसी मिर्च डाली है आधी चाय का चम्मच, और ये मैंने आधी चाय का चम्मच हल्दी डाल दी उसमें, और आधा चाय का चम्मच नमक डाल दिया है। आप मिर्चें अपने हिसाब से डालिए, हम लोग बहुत कम खाते हैं मिर्चें, इसलिए हम लोग कम मसाले यूज़ करते हैं। आप अपने हिसाब से मसाले यूज़ करें। ये सब मैंने बराबर इसमें मिक्स करके इसको मिला दिया है, एक सा कर दिया, बिल्कुल इसको मिक्स हो गया, अच्छे से मिक्स कर दिया इसको मैंने तीनों चीज़ों को, हल्दी, मिर्ची और नमक को, और जो मसाला पीसा था ये सब मिक्स हो गया है। और अब हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे, ये एक चम्मच ऑयल, ये मैंने आधा चाय के चम्मच से भी कम मेथी दाना डाल दिया है। और आप लोग भी खाने में मेथी दाना यूज़ करा करें और इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छे खाने बनते हैं। और ये जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा फिर इसमें मैं, जब ये ब्राउन हो जाएगा इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। अब ये मेथी दाना ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे चिकन। ये मैं चिकन मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे से हम थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद भी इसमें मसाला ऐड करेंगे जो हमने ग्राइंड किया था। ये मैंने चिकन भून लिया है और इसमें जो मसाले मैंने आपको बताया था ग्राइंड किए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको मैं अब 10 मिनट तक भूनूंगी। और अच्छे से ये 5 मिनट तक भून रहा है, फिर हम आपसे बातें कर लेते हैं जब तक। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, और आप भी हमारी रेसिपियाँ ट्राई करें और कमेंट में बताएँ कि कैसी आपको लगती हैं हमारी रेसिपियाँ। और ये जब आलू गोश हमारा अच्छे से जब बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे कि कैसा बनने तक तक बन जाएंगे, फिर बताओ। अब इसमें आलू डाल रहे हैं, अच्छी तरीके से भून चुका है, ये देखें डालें आलू। इसमें हम ये आलू डाल रहे हैं, आलू डाल रहे हैं अब ये, ये
भाई भूनने के बाद पानी डाल देंगे, फिर आलू गल जाएंगे। पानी कितना डालते हैं? एक प्याला पानी डालेंगे। एक प्याला पानी डलेगा इसमें, और 4 से 5 अफराद मज़े से आराम से पेट भर के खाते हैं माशाल्लाह से हमारे घर में। तो भाई पानी ऐड हो रहा है, पानी डाल दिया, एक पानी प्याला डाला, हमारी प्याली है, इसको हमने ऐड कर दिया पानी को। अब ये देखें आप, एक प्याला पानी का पूरा ऐड कर दिया। अब आलू गलने तक के लिए वेट करेंगे, पूरा तैयार हो जाएगा ये आलू गोश्त का सालन। बहुत अच्छा सालन बनता है ये। ये देखें आप आलू हमारे, और ये चिकन, नहीं एक आलू है ना, एक चिकन, देखिए आलू चिकन। ये मिर्ची ऐड हो रही है, मैं आपको शुरू में दिखाएंगे। और ये गार्निशिंग के लिए मैंने गार्निशिंग करेंगे, और फिर डिश आउट करेंगे तो आपको दिखाएंगे। हाँ, डिश आउट करते हुए और खाते वक्त रिव्यू तो जरूर बनता है भाई। आलू गलेंगे 15 मिनट। हाँ भाई, खुशबू मसालों के। आलू गोश्त का सालन तैयार हो गया है, अब आपको डिश आउट करते हुए दिखाते हैं। ये गार्निशिंग हुए माशाल्लाह से, बहुत अच्छा सालन बना है, और आप ट्राई करके देखें, बहुत अच्छा होता है और बहुत टेस्टी होता है आलू गोश्त का सालन। घर पे ट्राई करें, होम मसाले ही ज़्यादातर यूज़ करें, बाहर का कोई मसाला यूज़ नहीं करता मैं, और ना हम लोग करते हैं, घर के मसालों से ही बनाते हैं बस, जो आसानी से आप लोग अपने घर में बना सकते हैं। और ये 3-4 मसाले से ही मैं अपने घर में बस अपनी रेसिपियाँ बनाती हूँ, ज़्यादातर बाहर से कोई मसाले यूज़ नहीं करती। और ये आप लोग भी जो भी बना आसानी से बना सकते हैं अपने घर में, बच्चियाँ छोटी छोटी होती हैं जो वो भी अपने घर में बना सकती हैं आसानी से। हर किसी के घर में हर मसाला होता है, हल्दी मिर्ची सबके घरों में होती है। और ये निकालें और आलू गोश्त बना लें, आपका आलू गोश्त तैयार है, मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप बना के देखिएगा। और फिर जैसा कि आपने देखा, आलू गोश्त का सालन हमारा तैयार हो गया और बहुत अच्छा बनाते हैं, आप लोग ट्राई करें। देखें, रिव्यू मैं तो दे दूं, लेकिन आप ट्राई करें और अच्छा बने तो आप हमारे कमेंट्स में आके बताएं कि आपने हमारी रेसिपी ट्राई करी, और रिव्यू वो होता है। मैं तो दे दूंगा, मुझे पता है अच्छा बना है, क्योंकि हमारी रेसिपी है माशाल्लाह से, हम खाते रहते हैं और घर के मसालों से बहुत अच्छी बनाते हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह से अच्छा ही खा रहे होते हैं। जैसा भी है, दाल हो गई, आलू गोश्त का सालन हो गया, कुछ भी बनाया, एक्स वाई जेड जितने भी खाने बनाते हैं घर के, भाई सारे अच्छे होते हैं। लेकिन ये आप लोग खुद ट्राई करें खुद, और हमारे चैनल पे आके कमेंट्स ज़रूर करें, जिस रेसिपी को ट्राई करें वो रेसिपी ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। हमारी मेहनत, ऐसा लगेगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल होते जा रही है। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा आपने, से व्यू करा, शेयर रेसिपी देखी और सब्सक्राइब नहीं करा, तो हमारी मेहनत ज़ाया है गाइस। और खुशी होती है कि दूसरे मुल्क के ज़्यादातर ग्राफ में मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह से ग्राफ उनका ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, और इसका मतलब ज़्यादातर वो ज़्यादातर घर की रेसिपियाँ खाते हैं और उन्हें पसंद आ रहा है। तो भाई इंडिया वालों से भी बहुत ज़्यादा थैंक यू, आप लोग इतना लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पड़ोसी मुल्क को अपने पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, और इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने फूड रेसिपी एंटरटेन दूँ आपको घर की रेसिपी से, हेल्दी भी रहता है बंदा, कोई बीमारी नहीं लगती, सबसे बड़ी बात ये है, और अच्छा खाना और हेल्दी खाना होता है भाई घर का। क्योंकि आप घर का खाना खाएंगे ना, कभी बीमार नहीं होंगे, बाहर का स्ट्रीट फूड खाएंगे, इधर उधर का खाएंगे, ज़्यादातर बीमारियाँ होंगी।
तो घर का ही खाएं। मैं भी बहुत बाहर का खाता था लेकिन छोड़ दिया, घर का ही खाता हूँ ज़्यादातर अब। और घर का खाना होता है, पेट भर के खाता है बंदा। सही है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वंस अगेन, खुदा हाफिज़। जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें, आबाद रहें।